गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसी की बाइक के नंबर से या फिर किसी का कार का नंबर हो गया या फिर किसी की गाड़ी का नंबर, ट्रक का नंबर, आप लोग उसका सिंपल से एप्लीकेशन में नंबर डालोगे एंड आपको सभी की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। सो गाइज कैसे आप लोग ये जान पाओगे, प्लीज से यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। गाइज आज की इस वीडियो में आप लोग को पता लगने वाला है कैसे आप लोग नंबर प्लेट से, ठीक है, उसके ओनर का नाम जान सकते हो, प्लस में गाइज कौन सी बाइक है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी कंपनी से है, लोन पे है, कितने चलान है, क्या कुछ उसने किया है, चलान वगैरह कितने का, 1,000, 2,000, 10,000 सब कुछ आपको पता चल जाएगा। प्लीज यार इस वीडियो का एंड तक जरूर देख लेना। उससे पहले आप लोग मेरा नाम जान लो, मैं हूँ बंटी एंड आप लोग देख रहे हो बंटी बांसल यूट्यूब चैनल। सो गाइज मैंने एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। सिंपल सा गाइज आपको व्हीकल सर्च पर क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो व्हीकल सर्च, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को अपनी बाइक का नंबर उठा के डाल देना है। प्लस में गाइज आप लोग अगर इस एप्लीकेशन का ये फ़ायदा, अगर आप लोग कोई भी वाहन खरीदना चाहते हो एंड उस पर चेक करना चाहते हो कितना चलाना है, कितना लोन है, वो गाड़ी फाइनेंस पे है, बाइक है, कार है, ट्रक है, कुछ भी है, आप लोग चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आप लोग यहाँ पे अपने गाड़ी का नंबर डाल सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फटाफट से HR05AB2469। गाइज मैं सिंपल से इस बाइक को सर्च कर लेता हूँ सर्च। सो गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी यहाँ पे सिंपल सी लोडिंग चल रही है। प्लस में गाइज यहाँ पे सभी कुछ आ चुके हैं, देख सकते हो यहाँ पे इस बाइक का जो है इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, ठीक है। सिंपल सा गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बाइक का इंश्योरेंस यहाँ पे 11/9/2011 को यहाँ पे इसका इंश्योरेंस खत्म हो गया था, ठीक है, 11/9/2011 को। एंड गाइज अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारी बाइक है इसका मॉडल वगैरह सब कुछ आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गाइज लिखा आ चुका है व्हीकल डिटेल्स, ठीक है। व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक करना, व्हीकल डिटेल्स पर क्लिक करोगे आप लोग सभी डिटेल्स को देख पाओगे। क्लिक करूँगा, देख सकते हो बाइक है हीरो होंडा मोटर्स स्प्लेंडर बाइक है गाइज। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो चेसिस नंबर और इंजन नंबर भी आ चुका है। एंड आप लोग यहाँ पे ओनरशिप डिटेल पर क्लिक करोगे, सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ओनर बाइक है। एंड जो हमारी बाइक है स्प्लेंडर, ये 15 अक्टूबर 2010 का मॉडल है, ठीक है, और इसको फाइनेंस दे रखा है इंडस इंड बैंक लिमिटेड ने। अभी गाइज ये बाइक जो है फाइनेंस पे है। प्लस में गाइज करनाल हरियाणा का ये नंबर है एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। प्लस में गाइज यहाँ पे सिंपल सा चेक चलान पर क्लिक करूँगा, गाइज इस बाइक को हम चेक कर रहे थे, ठीक है, चेक चलान पर क्लिक करूँगा। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सिंपल सा गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस बाइक का आज तक कोई भी चलान नहीं कटा है, ठीक है। अभी 2024 चल रहा है, काफ़ी बड़ी बात है गाइज, इतने ज़्यादा साल हो चुके हैं पर इस बाइक का एक भी चलान नहीं कटा है, नो चलान फाउंड, ठीक है। आई मीन चलान तो कटे भी होंगे यार, पर वो चलान भर दिए होंगे तो उसके बाद नहीं दिखाता, पर हाँ गाइज अगर आप लोग का चलान कटा हुआ है यहाँ पे शो होगा। गाइज सिंपल से एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से आपको अपने फ़ोन का प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर ऐप स्टोर को ओपन करना है। आपको यहाँ पे सर्च करना है कार इन्फो गाइज, ठीक है, कार इन्फो सर्च करना है, फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। सिंपल सा आप लोग यहाँ पे देख सकते हो यही वाला एप्लीकेशन है कार इन्फो RTO व्हीकल इन्फो ऐप। सिंपल सा गाइज आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल वाले बटन पर करके इंस्टॉल कर लेना। बाकी गाइज कैसी लगी आपको आज की वीडियो ज़रूर से हमें कमेंट में बताना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, सिंपल सा गाइज टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। आप लोग यहाँ पे मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन होगी क्वेरी होगी ज़रूर से यहाँ पे मेरे को आप लोग मैसेज कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। और गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर ज़रूर से सेट कर देना। एंड आपकी कमेंट में कोई भी क्वेरी होगी ज़रूर से कमेंट में बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू माई यूट्यूब फैमिली।